हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोग के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो का लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं पहले दोनों मैच में। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया 5 मैच की सीरीज में, जहां पे 2 का लीड भी ले ली। अब बात करते हैं तीसरे मैच की, जो कि 17 जनवरी को होगा। पाकिस्तान को अगर सीरीज में अलाइव रहना है तो यह मैच जितना कंपलसरी है। तो बात करते हैं तीसरी T20 मैच की, जो कि 17 जनवरी को यूनिवर्सिटी के ओवल ड्यून में खोला जाएगा। हमें अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। ह्यूमिडिटी देखें तो 41% रहेगा और टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनिंग परसेंटेज की बात की जाए, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 100% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 0% जीतने का चांस है। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 180 है, वहीं सेकेंड इनिंग का भी एवरेज स्कोर 180 है। अब अगर बढ़ते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पे टोटल में 36 खेल के आ रही है। तो पहली टीम जहाँ पे पाकिस्तान 20 मैच जीत के आ रही है, तो न्यूजीलैंड 15 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए तो हमें डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पहली टीम न्यूजीलैंड का शॉट एनालिसिस किया जाए, जहाँ पे लंबे टाइम बाद केनी विलियमसन की T20 में वापसी हुई। ओपनिंग में जहाँ पे फिन एलन कॉनवे की जोड़ी हिट चल रही है और सबसे ज्यादा रन भी बना रहे हैं। लास्ट गेम में बात करें तो फिन ने 74 रन बनाए थे। नंबर 3 पे विलियमसन है। टीम का मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, जिसमें ग्लेन फिलिप्स एंड डैरी मिचेल है। फिनिशिंग के लिए टीम चैंपियन पर डिपेंड होगी, वहीं बॉलिंग भी एक होकर परफॉर्मेंस कर रही है, जहां पर टीम सऊदी ने अब तक दोनों मैच में सबसे ज्यादा 6 विकेट निकाले हैं। टीम ब्रेक थ्रू के लिए एडम मिलने हैं, बेन शियर से एक्सपेक्ट करती है। इंग्लैंड ने लास्ट मैच में 4 विकेट निकाले थे, एक्सपीरियंस प्लेयर जहां पर इस वक्त स्पिन बॉलर होंगे। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखा जाए, जहां पर केन विलियमसन जो कि कप्तान है, फिन एलन है, डिवॉन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डैरी मिचेल, मार्क चैंपियन, इस सऊदी टीम सऊदी, एडम मिलने और स्टैंडनर है। अब इनके कुछ की प्लेयर की बात की जाए, जहाँ पे फिन एलन 2 इनिंग में 108 रन है, एवरेज 54 का है। वही दूसरी प्लेयर की बात करें तो केन विलियमसन, यहाँ पे 2 इनिंग में 83 रन है, एवरेज 41 का है। तीसरी प्लेयर की बात करें जो कि एक बॉलर है, 2 इनिंग में 6 विकेट निकाले, इकोनॉमिक 6.2 का है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते दूसरी टीम पाकिस्तान का शॉट एनालिसिस किया जाए, जहाँ पे टीम की स्टार्ट खराब थी, दोनों मैच हार गई। टीम की कप्तानी जहाँ पे फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को दिया गया, वो पहली बार कप्तानी कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मुकाबले अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 का सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे बैटिंग यूनिट में टीम रन बनाने के लिए ओपनर में उतरते हैं मोहम्मद रिजवान और सईम उबैद, जो कि दोनों लास्ट गेम में फ्लॉप थे। बाबर आजम ने फॉर्म में कम बैक करते हुए दोनों मैच में 50+ की फास्ट इनिंग खेली थी, जो टीम के लिए शुभ संकेत है। फखर जमन जो नंबर 4 पे एक फास्ट इनिंग खेले लेकिन टीम को जिता नहीं पाए। वही अगर इफ्तियार अहमद जो मैच को फिनिश करने की जिम्मेदारी है, विकेट कीपिंग में आजम खान है। वहीं बॉलिंग यूनिट में बात करें तो वो भी फेल चल रही है, शाहीन शाह अफरीदी, हरीश रॉफ जो कि लीड कर रहे हैं, हरीश रॉफ ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट निकाले जो अब तक दोनों मैच में। वहीं अमर अजमल जो अब तक बहुत मांगे रहे हैं, अब्बास अफरीदी को भी 2 विकेट मिला था। अब बात करते हैं पाकिस्तान का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी जो कि कप्तान है, मोहम्मद रिजवान जो कि वाइस कप्तान है, विकेट कीपर है, फखर जमन, सैम अयूब, बाबर आजम, इफ्तियार अहमद, आजम खान, अमर जमाल, अब्बास अफरीदी, हरीश रॉफ और शामा मीर। अब बात करते हैं इनके कुछ की प्लेयर की बात की जाए, जहाँ पे बाबर आजम जो कि एक बैट्समैन है, 2 इनिंग में 123 रन है, एवरेज 61 का है। दूसरी प्लेयर की बात करें फखर जमन जो 1 इनिंग में 65 रन है, एवरेज 32 का है। तीसरी प्लेयर की बात करें हरीश रॉफ जो कि एक बॉलर है, 2 इनिंग में 5 विकेट है, इकोनॉमिक 8.5 का है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते चलते विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर न्यूजीलैंड होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म में चल रही है, यहाँ पे पाकिस्तान को तीसरी T20 की भी हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।